नवरात्रि में अगर दिख जाए ये एक चीज तो बदलने वाली है किस्मत। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे शास्त्रों के अनुसार उन खास संकेतों के बारे में जिनका नवरात्रों के दौरान मिलना बेहद ही शुभ माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। नवरात्रों का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिन माँ के भक्त विशेष रूप से माँ की आराधना करते हैं। पहले दिन घट स्थापना के बाद 9 दिनों तक माँ की सुबह शाम पूजा और मंत्र जाप किए जाते हैं। मान्यता है कि माँ दुर्गा यदि प्रसन्न हो जाए तो जीवन को खुशियों से भर देती है। शास्त्रों में नवरात्रि के दौरान कुछ खास संकेतों या सपनों का आना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ खास संकेतों के बारे में जो नवरात्रि में मिले तो समझ लें कि माँ आपसे बहुत प्रसन्न है। सपने में माँ के दर्शन होना। हिंदू मान्यता अनुसार यदि नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन आपको सपने में माता रानी के दर्शन या फिर उनका पूजन होता दिखाई दे तो यह शुभ संकेत होता है। मान्यता है कि माँ भगवती का सपनों में दर्शन देना जीवन में होने वाले किसी शुभ या मांगलिक कार्य का संकेत होता है। घर से निकलते ही गाय दिखना। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपको घर से निकलते ही गाय के दर्शन हो जाएं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि माता रानी के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो सकती है। हरे भरे जौ उगना। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि नवरात्रि में बोई जाने वाली जौ अच्छी तरह से कलश या मिट्टी के पात्र में उगते हैं तो इसे देवी की कृपा माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में हरे भरे जौ उगना खुशहाली और समृद्धि का संकेत होता है। सपने में उल्लू दिखना। उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन माना गया है। स्वप्न शास्त्र अनुसार यदि नवरात्रि के दिनों में सपने में उल्लू दिखाई दे तो ये बेहद शुभ संकेत होता है। सपने में उल्लू दिखने का अर्थ है कि माता रानी आपकी पूजा से प्रसन्न है। सपने में कन्या देखना। नवरात्रों के दौरान सपने में छोटी कन्या देखना शुभ माना जाता है। कन्या को साक्षात दुर्गा जी का रूप माना जाता है। अगर नवरात्रों के दौरान कोई व्यक्ति कन्या को सिक्का दे या कोई छोटी कन्या आपको सिक्का दे तो इसे भी बहुत ही शुभ संकेत समझा जाता है। इसका अर्थ है कि माँ आपसे बहुत प्रसन्न है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।